हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। प्रीवियस पार्ट हम कर चुके हैं, उसके अंदर जो बेसिक केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। First is combination reaction. What do you mean by combination? Combination means क्या होता है? Combine करना दो या उससे ज्यादा चीजों को, जहां कभी भी एक चीज नहीं हो सकती, true or more। तो इसकी जो definition है वो क्या बनेगी? When two or more such a reaction in which two or more reactant to form a single product। जब दो हो या उससे ज्यादा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या बताया था? लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं, जो टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो फॉर्म्ड होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जब कोई दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच ए रिएक्शन such a reaction in which two or more reactant formed a single product जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होके। इसका फॉर्मूला सिंपल होगा, ए प्लस बी रेज़ टू सी। जब टू या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे बर्निंग ऑफ कॉल। बर्निंग ऑफ कॉल, कॉल मतलब कोयला यानी कि कार्बन। कार्बन ये मैंने बताया था स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं, लेकिन उसको हम केमिकल इक्वेशन यानी कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बर्निंग, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सीजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग। कॉल की क्या लिखेंगे? कार्बन। तो कार्बन प्लस ओ टू ऑक्सीजन हमारा बना CO2, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलके हमें क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिला। सो जब टू या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं सो वो रिएक्शन क्या होगी? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद और भी ले सकते हैं आप इसके अंदर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म ए न्यू यानी कि सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके ऊपर आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं। सेकेंड टाइप हमारा इसका आएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जब होगा किसका? एक सिंगल सब्सटेंस का टू और मोर सब्सटेंसेस के अंदर। सच ए रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकडाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि जब कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, वहां क्या होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मड, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट इज फॉर्मड टू और मोर प्रोडक्ट्स, two or more products, this reaction is called decomposition reaction। example, जब A है हमारे पास, उसका breakdown जब होगा B plus C के अंदर, ये हमारा क्या बन जाएगा? A raised to B plus C।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया था, ए प्लस बी लेके ए भी बन गया था, ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हमने क्या पढ़ा, डीकम्पोजिशन का, जब ए ब्रेक डाउन होके बी प्लस सी के अंदर टूट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं कि जो डीकम्पोजिशन होता है वो किस रीजन से होता है। डीकम्पोजिशन है, टूटता है जो कोई सब्सटेंस, तो उसका रीजन क्या क्या होता है। सो आवर फर्स्ट रीजन इज थर्मल डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन के पार्ट है, जो रीजन है डीकम्पोजिशन के, फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, व्हाट डू यू माइंड बाय थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होगा, जहां हीट होगी, हीट है। व्हेन ब्रेक डाउन यानी कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट या फिर थर्मल, हीट की वजह से जब ब्रेक डाउन होगा, डीकम्पोजिशन होगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, तो यहाँ लिखो वैसे सेम, व्हेन डीकम्पोजिशन, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय, is carried out by heat. जब heat की वजह से किसी reaction के अंदर decomposition होता है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, thermal decomposition. इसका example देख लेते हैं, calcium carbonate. जब हम calcium carbonate को heat देंगे, तो वो calcium oxide CaCO3, इसको जब हमने heat provide कराई, तो वो CaO calcium oxide प्लस किसके अंदर टूट जाएगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक स्लेग लाइम, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू हीट। जब हीट की वजह से इस रिएक्शन के अंदर डीकम्पोजिशन हुआ, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। When decomposition is carried out by electricity, जब किसी सबस्टांस का जो ब्रेकडाउन है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी होता है, वहां क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यहाँ हम लिखेंगे when decomposition is carried out by, is carried out by, जब डीकम्पोजिशन होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, H2O, जब हमने H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वाटर इज ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब ब्रेक डाउन होगा एक रिएक्शन के अंदर, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा इसका बचता है थर्ड नंबर, थर्ड होता है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मींस सन, जिसके प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। सन यानी कि सन के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन, बट डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय आउट बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब डीकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, carried out by in presence of sunlight, in presence of sunlight, जब sunlight की presence के अंदर
हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा सब्सटेंस का, वो हमारा क्या बन जाएगा, फोटोलाइटिंग। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, AgCl2 या फिर 2AgCl। 2AgCl का जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो उसका डिकम्पोजिशन हुआ 2Ag+Cl2। Ag इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड। Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर एंड Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन, तो हमारा बना सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो उसका ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर प्लस क्लोराइड के अंदर, तो ये हमारा क्या बना, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, अपने प्लेस से हट जाना, यानी कि अपने प्लेस पे की पे किसी दूसरे का आ जाना और खुद उसकी जगह शिफ्ट हो जाना, हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, वहां क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट है तो कोई रीजन भी तो चाहिए उसका वहां से रिमूव होने का, डिस्प्लेस होने का, तो रीजन ये है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव का आपका टेबल है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, उसके अंदर गिवन है, उसको वहां से देख लेना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उसके अंदर मोर रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव आपको गिवन है, वहां से उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हमारा जब मोर रिएक्टिव, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, Fe+CuSO4। हमने लिया आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जो आयरन कॉपर होता है कॉपर से ज्यादा यानी कि मोर रिएक्टिव होता है आयरन, तो आयरन कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अलग छोड़ दिया और खुद उसकी जगह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो वहां क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब बात डबल की आती है तो इसका मतलब रिएक्टेंट के अंदर जितने भी सब्सटेंस में गिवन है उन सब के बारे में बात है, डबल है तो टू, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं उनका म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल का मतलब होता है कि वो चीज हमारे पास भी है और आपके पास भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दो एक जगह थे, एक सिंगल एक जगह था, तो उसने उसका प्लेस ले लिया था। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। टू कंपाउंड्स का मतलब क्या है, देखो हमने डिस्प्लेसमेंट वाला लिया,
उसके अंदर हमने लिया था एफ यू प्लस सी यू एस ओ फोर। इसके अंदर जो सी यू एस ओ फोर था ना कंपाउंड सिर्फ ये था, ये सिंगल है तो ये एलिमेंट है, लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर जब रिएक्शन होगी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा बिटवीन टू कंपाउंड्स के बीच में होगा, यानी कि वहां क्या गिवन है, तो कंपाउंड गिवन है ना कि एलिमेंटिक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक एलिमेंट था एक कंपाउंड था, लेकिन जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा वो बिटवीन टू कंपाउंड्स होगा। तो यहाँ इसमें उसमें ये डिफरेंस है, तो यहाँ तुम लिखोगे व्हेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ when mutual exchange of ions between two compounds जब दो compounds के बीच में mutual exchange होगा ions का, this reaction is called double displacement reaction। अब उसका example देख लेते हैं, Na2SO4 sodium sulfate plus barium chloride BaCl2, ये हमारे पास given है। मैंने बोला दो कंपाउंड्स के बीच में, तो ये भी कंपाउंड है क्योंकि दो एलिमेंट से मिलने वाली चीज कंपाउंड होती है। दो एलिमेंट इसमें कौन से हैं, बेरियम एंड क्लोरीन, इसके अंदर कौन से हैं, सोडियम एंड सल्फेट। तो जब दो कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का, वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। म्यूचुअल एक्सचेंज किस तरीके से, कि जो बी है वो SO4 के साथ आ जाएगा, Na है वो Cl के साथ चला जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, Na के साथ SO4 था, फिर Na के साथ Cl आ गया प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ रिएक्टेंट के अंदर Ba के साथ Cl था, फिर Ba के साथ SO4 आ गया, तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। So this reaction is called double displacement reaction. Understood? I hope and you understood this point. Next is, अब इसके अंदर एक टर्म और आती है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है अंदर जाना। अंदर जाना तो ऑब्वियस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी जब एनर्जी जब किसी रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा उसका, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अगर हम रेस्पिरेट करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सो एंडो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चले बाहर निकलती है तो एक्सो, एक्सो का मतलब बाहर निकलना। जब रिलीज होती है एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब किसी रिएक्शन, जैसे हम कोई रिएक्शन करते हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। So, exo के अंदर रिलीज होगी, एंडो के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि वो एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, किसी भी टाइप की एनर्जी को। सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप बता सकते हो। ऑब्वियसली कोई भी आपको चीज दे दी जाएगी तो आप बता सकते हो कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा एंड रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हेन addition of oxygen and removal of hydrogen, या फिर एंड लगा लो या और लगा लो, या फिर removal of hydrogen, जहां oxygen का क्या होता है addition। अब oxygen का addition तो C plus O2 इसमें भी होता है CO2,
अब इस तरीके से आप लिख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एंड और क्या रिमूवल यहां होगा ऑक्सीजन का एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. व्हेन बोथ सिचुएशंस आर क्रिएटेड इन वन रिएक्शन ओनली, जब एक रिएक्शन के अंदर दोनों सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, जहां ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी, मतलब जहां एडिशन भी हो रहा है ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है हाइड्रोजन का और रिमूवल भी होता है, जब दोनों चीजें एक रिएक्शन के अंदर क्रिएट हो जाएगी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स. व्हेन बोथ सिचुएशंस आर क्रिएटेड इन अ सिंगल केमिकल इक्वेशन, जब दोनों सिचुएशन आपकी एक सिंगल केमिकल इक्वेशन के अंदर हो जाएगी, तो वहां क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन. जैसे CuO प्लस H2, हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ एडिशन है, यहाँ इसके पास क्या है ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या होगा रिमूवल, यानी कि Cu प्लस इस हाइड्रोजन का इसके साथ एडिशन, तो यहाँ क्या बन जाएगा H2O. अब नीचे की तरफ तो क्या हुआ रिडक्शन, लेकिन ऊपर की तरफ क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक इक्वेशन के अंदर क्रिएट होते हैं, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, जहां क्या होगा बोथ सिचुएशंस आर क्रिएटेड इन अ सिंगल इक्वेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों चीजें जब एक रिएक्शन के अंदर क्रिएट होंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन. अंडरस्टूड. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी. What do you mean by corrosion? Corrosion का मतलब होता है जंग लगना, यानी कि rust, जंग. Corrosion कब होगा? When metal are placed in the presence of air for some time, जब कोई भी metal air के presence में होगा तो it corrode. वो क्या हो जाएगा? Corrode हो जाएगा. Some brown layer are placed on it. कुछ ब्राउन लेयर्स उसके ऊपर आ जाएंगे और उस मेटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कोरोजन. और कोरोजन का जो सबसे स्लो प्रोसेस वाला एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन को रस्ट कर देता है वाटर. एयर और वाटर की प्रेजेंस में जो कोई मेटल पड़ा होगा कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या कर देगा, रस्टिंग कर देगा उसको, यानी कि कोरोड कर देगा. अब उससे बचने के लिए प्रिवेंशन उसके क्या होंगे, प्रिवेंशन होंगे या तो तुम उसपे ऑयलिंग करो या फिर उसके ऊपर पेंटिंग करो. अब जैसे आयरन के हम अपने गेट बनवाते हैं दरवाजे घरों के अंदर, तो उसपे क्या करते हैं, पेंटिंग करके रखते हैं, पेंट कराते हैं उसके ऊपर या फिर ऑयलिंग करते हैं. तो ये प्रिवेंशन होते हैं कोरोजन से बचाने के. नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होगा, when fatty foods are placed in the presence of oxygen, जब कोई fatty food या fast food जैसी जो चीजें होती है, जब कोई food होता है edible, वो अगर आप oxygen के presence में रखते हैं, तो after some time वो क्या हो जाता है, उसका taste change हो जाता है. taste change हो गया, खट्टा हो, यानी कि converted into acid, acid में वो convert हो गया, तो वो हमारी rancidity problem होती है. जब फूड हमारा सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब उसको आफ्टर सम टाइम हम चेक करते हैं, ये मोस्टली समर्स के अंदर होता है. तो रेंसिडिटी क्या होगा, व्हेन फूड इज डिस्ट्रॉयड, व्हेन फूड इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की. आफ्टर सम टाइम द फूड इज डिस्ट्रॉयड, फूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसका टेस्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है. टेस्ट चेंज होने की वजह से वहां रेंसिडिटी आ जाती है. उसको बचाने के लिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो ये हमारा रेंसिडिटी.
रेंसिडिटी फूड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा गया, और कोरोजन जब कोई मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा गया विदाउट ऑयलिंग एंड पेंटिंग, तो वहां होगा कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन एंड वेरी स्लो प्रोसेस। So your chapter is completed and please do practice of reactions. जितने भी chemical reactions हैं आपकी, decomposition है, combination है, जितने भी reactions हैं उनकी कम से कम तीन तीन या चार चार उनके examples learn कीजिए। Understood? Thank you and see you later.